साला रात को सीनियर से लुल्लू पे झटका देता है, दिन में डायरेक्टर को उंगली करता है। बोल रहा हूँ इसके साथ रहेंगे ना तो ये मरवाएगा। यार तू तो वायरस का फुल खेल पीटी कर दिया। जाओ पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। अबे आ गया से सुन लिए तेरा। कौन मरेगा तेरा बाप? अरे बाप पे जा, क्या कर रहा है यार? सर स्कूल के लिए फीस थोड़ी लगती है, यूनिफॉर्म लगता है। यूनिफॉर्म रुक, तुझे जो भी स्कूल पसंद है ना उसका यूनिफॉर्म खरीद ले और चुपचाप जाके क्लास में बैठ जा। इतनी आबादी है किसको क्या पता चलने वाले। और पकड़े गए तो? पकड़े गए तो यूनिफॉर्म चेंज, स्कूल चेंज। देखा, कुछ बात थी उसमें। साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। वायरस के घोंसले में एक आजाद पंछी घुस आया था। हम सब तो प्रोफेसर के रिमोट कंट्रोल पे चलने वाले रोबोट थे। वो बस एक ही था जो शायद मशीन नहीं था। What is a machine? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? एक्चुअली सर, बचपन से चाहता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढूं। आज यहाँ बैठा हूँ, बहुत मजा आ रहा है सर। ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है। बोलो, मशीन का डेफिनेशन बोलो। सर, अ मशीन इज एनीथिंग दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट सर। विल यू प्लीज इलेबोरेट? सर, हर वो चीज जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए वो मशीन है सर। गर्मी लग रही है, बटन दबाया, हवा चालू, फैन, मशीन है सर। मीलों दूर आप अपने दोस्त के साथ बात कर सकते हैं, टेलीफोन, मशीन है सर। करोड़ों का हिसाब चुटकी में करता है कैलकुलेटर, मशीन है सर। सर एक्चुअली हम मशीनों से घिरे हुए हैं सर। पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक सब मशीन है सर। एक सेकंड में डाउन। डेफिनेशन क्या है सर? वही तो बता रहा हूँ सर। एग्जाम में यही सब लिखोगे? ये मशीन है, अप डाउन अप डाउन। इडियट। एनीबॉडी एल्स? यस सर। मशीन्स आर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी सो कनेक्टेड दैट देयर रिलेटिव मोशंस आर कंस्ट्रेंड एंड बाय व्हिच मींस फोर्स एंड मोशन मे बी ट्रांसमिटेड एंड मॉडिफाइड एज अ स्क्रू इन इट्स नट और लेवर अरेंज्ड टू टर्न अबाउट अ फुलक्रम और अ पुली अबाउट इट्स पिवट एटसेट्रा। एस्पेशियली अ कंस्ट्रक्शन मोर और लेस कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मूविंग पार्ट्स और सिंपल मैकेनिकल एलिमेंट्स एज व्हील्स, लेवर्स, कैम्स एटसेट्रा। Perfect. Please sit down. Thank you. लेकिन सर मैंने भी तो वही बताया सर, आसान भाषा में। आपको अगर सिंपल भाषा पसंद हो तो आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज ज्वाइन कीजिए। लेकिन सर मतलब भी तो समझ में आना चाहिए, ऐसे किताबी डेफिनेशन रट के क्या फायदा? आप किताब से ज्यादा जानते हैं। किताब में यही डेफिनेशन है और अगर आपको पास होना हो तो आप यही लिखेंगे। लेकिन सर और भी तो किताबें हैं जिसमें आसान भाषा में भर जाइए। Idiot. So we were discussing about the machine. अरे तुम वापस क्यों आए हो? सर कुछ भूल गया हूं सर। क्या? Instruments that record, analyze, summarize, organize, debate, and explain information that are illustrative, non-illustrative, hardbound, paperback, jacketed, non-jacketed, with forward introduction, table of contents, index that are intended for the enlightenment, understanding, enrichment, enhancement, and education of human brain through sensory route of vision, sometimes touch. अरे कहना क्या चाहते हो? किताबें सर, books. Books भूल गया हूँ सर, ले लो। तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? थोड़ी देर पहले कोशिश की थी सर, लेकिन आपको सीधा सीधा पसंद नहीं आया। रांचो को प्रोफेसर्स क्लास में कम, बाहर ज्यादा रखते थे। वो एक क्लास से निकाला जाता तो दूसरे में जाके बैठ जाता था। कहता था चारों तरफ ज्ञान बढ़ रहा है, जहां से मिले लपेट लो। वो हम सबसे अलग था। हम रोज बाथरूम के लिए लड़ते रहते थे, उसे जहां पानी मिले वहीं नहा लेता था। मशीनों से बहुत लगाव था, जेब में स्क्रू ड्राइवर लेकर घूमता था, जो मशीन दिखे उसे खोल देता था। कुछ बंद होती थी, कुछ नहीं।